सावन मास के पांचवे सोमवार सेक्टर 7 स्थित तालाब को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां महारुद्राभिषेक के आयोजन के साथ वाराणसी के गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती भी संगीत के साथ की गई। इस विशेष आयोजन में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी शामिल हुए, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया एवं गंगा आरती में भी पूरे भक्तिभाव से शामिल हुए। इस आयोजन में तालाब के चारों तरफ जहाँ क्षेत्र की महिलाएं हाथों में आरती लेकर गंगा मैया की आरती उतारी, तो वहीं भिलाई के कलाकारों ने छोटी छोटी प्रस्तुतियों के जरिए भोलेनाथ के भक्ति के नजारे पेश किए। उसके बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पत्रकारों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे आयोजन की सराहना मुक्त कंठों से की और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी जवाब दिए। ये सारा आयोजन शिवधाम सेवा समिति सेक्टर 7 तालाब के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं आयोजन की खास झलकियाँ। Oh,
सेक्टर 7 में गंगा आरती का आयोजन और यहाँ जो आयोजन समिति साथी हैं तो सबको बहुत बहुत बधाई। राजू जी और महापौर विधायक सब ने मिलजुल कर सभी एमआईसी के मेंबर पार्षद सब लोगों ने मिलकर ये आयोजन पिछले 7-8 वर्षों कर रहे हैं और लगातार इसके व्यवस्था में और 4 चांद लगते जा रहा है। तो सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और यही कामना करता हूँ भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण। मुख्यमंत्री जी, धर्मलाल कौशिक जी ने भविष्य के सम्मेलन को आईएल दर्ज किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी परेशान है, अमित शाह जी बयान दे चुके, राजनाथ सिंह बयान दे चुके, प्रधानमंत्री जी बयान दे चुके, इससे परेशान बहुत है। एक दिन बाद आवे धोखा देने वाले तो धोखे की बात ही ना करें। किसानों को उन्होंने कहा था 2100 रुपये देंगे, 15 साल उनको मौका मिला, कभी 2100 रुपये दिए, 300 रुपये बोनस हर साल देने की बात उन्होंने कही थी, मिला कभी? उनके कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता सबको मिल पाया, युवाओं को कभी नहीं मिले, तो थोड़े बहुत आदिवासियों को चलने काम, महिलाओं को चलने काम, राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बनाने के बाद चुनाव के बाद सबका राशन कार्ड काटने के काम ये लोग करते थे, तो महिलाओं को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, आदिवासियों को धोखा दिया, जर्सी गाय देने के बाद और सबको नौकरी देने के बाद उन्होंने कही थी वो भी नहीं। तो सब वर्ग को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार ने किया था, वो धोखा देने की बात न करें, ये धोखे के नहीं भरोसे के सम्मेलन। लगातार बिजली महंगी है, थोड़ा सा आप आए हैं तो कुछ उम्मीद बीजेपी वाले का पटाक्षेप हो जाए बातों का, काम करिए। केंद्र सरकार ये आदेश निरस्त कर दिए, विदेश से जो कोयला आता है ना और उसको खपाने के बाद और प्लांट में न करे, वो आदेश किए हैं और इसी कारण से जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर प्लांट है, चाहे सीपत हो, लारा हो, एनटीपीसी के जितने पावर प्लांट है उसमें विदेशी कोयला ही लगाया जा डाला जा रहा है और उसके कारण से बिजली दर महंगी हो रही है, तो उसको कहे ना, राज्य सरकार को ना कहे, केंद्र सरकार के अधीन एनटीपीसी चाहे लारा हो, चाहे सीपत हो, चाहे भिलाई के जो एनटीपीसीएल है, ये सारे उसके अधीन हैं, वो रेट ना बढ़ाए, यहाँ रेट ना बढ़ेगा, हमारे पावर प्लांट से कोई रेट नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है तो भारत सरकार के जो यूनिट है उससे बढ़ रहा है और उसके कारण से बिजली महंगा हो रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों की बजाय यहाँ 40 यूनिट तक के आधा है और भिलाई में भी हम लोगों ने बिजली बिल आधा देने का फैसला किया है। राहुल गांधी का लोकसभा में आने का विपक्ष मजबूत हो गया, बिल्कुल। देखिए अभी जो इंडिया बना उससे भारतीय जनता पार्टी एकदम घबराई हुई है। दूसरी बात, जो सवाल राहुल जी लोकसभा में उठाते थे उससे भारत सत्ताधारी लोग परेशान हो गए थे और यही कारण उसकी सदस्यता रद्द किए, उसके बंगले उसको खाली कराया गया और हर स्तर पर कोशिश की, लेकिन सत्य की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और फिर राहुल जी अभी विश्वास प्रस्ताव है उसे पूरी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार को बेनकाब करेंगे, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे इंडिया को विश्वास। सर, सीएम साहब, इंडिया जो जिसका निर्माण किया गया है, विपक्षी दलों ने, राजनीतिक जो दल